नमस्कार गाइस, आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मोमेंट। यार पहले तो सॉरी कहना चाहता हूँ, काफ़ी दिन हो गया, काफ़ी डिले हुआ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम में फंस गया था यार मैं, उसके वजह से काफ़ी डिले हुआ, उसके लिए सॉरी। शायद होप सो अभी सब ठीक हो और अब से रेगुलर स्टार्ट कर पाऊँ। तो आज के लिए लोकोमोशन एंड मोमेंट, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। और एक बात, मैं हर चैप्टर के बाद मैं फीडबैक ले रहा हूँ, तो काफ़ी फीडबैक से पता चला कि यार लिखा तो हर जगह मिल जाता है, एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट को ज़्यादा जरूरी है। तो इस चैप्टर में मैं एक्सप्लेनेशन और ट्रिक्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, आपका इस चैप्टर का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और भी कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। चलिए अब शुरू करते हैं लोकोमोशन एंड मोमेंट। चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मोमेंट। चैप्टर का नाम से हमें पता, हमें दो अलग अलग डेफिनेशन यहाँ मिलेंगे। लोकोमोशन मतलब क्या? लोकोमोशन मतलब चेंज इन पोजिशन ऑफ बॉडी। अब मैं यहाँ से यहाँ गया, देन दिस इज लोकोमोशन। यहाँ से यहाँ गया, दिस इज लोकोमोशन। ये यहाँ से यहाँ गया, दिस इज लोकोमोशन, ठीक है। और मोमेंट मतलब क्या? मोमेंट मतलब सिर्फ पोस्चर का चेंज होना, दिस इज मोमेंट, दिस इज मोमेंट। मैं पोजिशन चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ का यहीं हूँ ना मैं, अगर यहाँ से चल कर वहाँ जाऊँ तो ही मेरा पोजिशन चेंज होगा, ठीक है। तो वो हो गया लोकोमोशन, और हम लोग का जो टांग को हिलाना, आईलिड को हिलाना, ये सब हो गया हम लोग का मोमेंट, ठीक है। दोनों इंटरकनेक्टेड है, हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो इस चीज़ को लेके एक बहुत बढ़िया टर्म है, सबको पता है, लाइक ऑल लोकोमोशंस आर मोमेंट। जो हम जो भी लोकोमोशन करते हैं, यहाँ से वहाँ चल के जाएंगे, चेंज करेंगे पोजिशन को, डेट आर मोमेंट। बट ऑल मोमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। मैं आईलिड चेंज कर रहा हूँ, मैं अपना जगह चेंज किया गया नहीं ना, सो ये मोमेंट मेरा लोकोमोशन नहीं है। सो ऑल मोमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, ठीक है। पहले तो ये टर्म क्लियर करना था और चैप्टर का डिस्क्रिप्शन क्लियर करना था। अब हम दूसरा आते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से पैरामीशियम, हमें पता है पैरामीशियम, इस तरीके से कुछ डायग्राम होता है ना, डायग्राम उतना अच्छा है नहीं, इनका सिलिया होता है, ठीक है। उनका मोमेंट के लिए क्या होता है? उनके मोमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए, मोमेंट के लिए सिलिया होता है पैरामीशियम का, ठीक है। ये सिलिया डबल फंक्शन का होता है, लोकोमोशन में भी मदद करता है और फूड को साइटोफेरिंग्स में एंट्री में भी मदद करता है, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोकोमोशन देख पढ़ेंगे अभी, जैसे हाइड्रा हो गया, ये हाइड्रा हो गया, इसका जो ये टेंटिकल्स होता है, ये टेंटिकल से लोकोमोशन में भी हेल्प करता है और ये अपने प्री को कैप्चर करने में भी मदद करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से डिफरेंट टाइप का लोकोमोशन हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं मोमेंट, जो हम लोग का मोमेंट होता है, अलग अलग तरीके के मोमेंट कैसे होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोमेंट, एमोबॉइड, सिलियरी एंड मस्कुलर, ठीक है। इनके सब एमोइड बॉय मोमेंट कौन दिखाता है? जैसे मैक्रोफेजेस, डब्ल्यू बी सीज का सेल्स लाइक न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ये लोग ये एमोबॉइड मोमेंट दिखाते हैं, इस तरीके से खा जाते हैं ना बैक्टीरिया को, मैक्रोफेजेस है ना। और ये जब ब्लड सेल से निकल के आते हैं तब उस प्रोसेस को हम कहेंगे डायपेडेसिस, ठीक है, डायपेडेसिस। और एमोइड मोमेंट एमोइबा में भी दिखाता है, एंट्रेस में पूछता है कि न्यूट्रोफिल कौन सा मोमेंट दिखाता है, ठीक है। तो ये समझ गए। अब अगला आया मोमेंट जो है सिलियरी मोमेंट। हमें सबको पता है यार सिलिया होता है जो मोमेंट में मदद करता है, जैसे हम लोग का ट्रेकिया में जो सिलिया है, डस्ट पार्टिकल जो भी जाता है उसे हेल्प करता है रिमूव करने में, है कि नहीं। इस तरीके से सिलिया निकला रहता है हम लोग का एपिथेलियल सेल में, है कि नहीं, ठीक है। और सिलिया क्या होता है? जैसे ये ओवरी है और ये फेलोपियन ट्यूब है, तो यहाँ से जो ओवा रिलीज होगा उसको भी यहाँ से जाने में मदद करेगा सिलिया, ठीक है। तो उस मोमेंट को हम कहेंगे सिलियरी मोमेंट। स्पर्मेटोजोआ में भी सिलिया होता है जो उसमें मदद करता है, ठीक है, और ट्रेकिया में तो होता ही है। तो उसी टाइप का मोमेंट को हम सिलियरी मोमेंट कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से मतलब वो सिलिया इस तरीके से अप डाउन रब करके इसको लेके जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो मोमेंट आ गया वो हो गया मस्कुलर मोमेंट। अरे मस्कुलर से हमें पता ही है मोमेंट, मसल का मोमेंट यार, हिलाना टुलाना, आईलिड जो, ठीक है। तो दिस इज द नथिंग बट कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल, ठीक है। मसल इतना पढ़ लिया, चलिए पढ़ते हैं मसल क्या चीज़ है। मसल जो है इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू। टिश्यू मतलब क्या? ए ग्रुप ऑफ सेम सेल्स जब मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो मसल्स आर नथिंग बट ए स्पेशलाइज टिश्यू जो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, एंट्रेंस में काफ़ी बार पूछ चुका गया है। और हम लोग का जो मसल है, हम लोग का 40-50% बॉडी वेट कवर करता है। इनमें मतलब अगर हम लोग का मसल नहीं है तो हम लोग अभी आप जितना वेट देख रहे हैं उसका आधा ही होगा मैं, ठीक है। तो मसल्स के काफ़ी फीचर्स होते हैं, हमें पता ही है, एक्सटेंसिबिलिटी होता है, कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी होता है, ठीक है। अब मसल्स को क्लासिफाई किया गया है, मैं बता रहा हूँ पहले ही, मैं फुल्ली एनसीईआरटी वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, डिटेल्स में ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा क्योंकि समय बहुत कम है एंट्रेंस के लिए।
अब हम ऑन द बेस ऑफ लोकेशन में अगर मसल्स को मतलब डिवाइड करें तो तीन टाइप्स के मसल होते हैं। एक होता है स्केलेटल, दूसरा होता है विसरल और तीसरा होता है कार्डियक मसल। ठीक है, अब चलिए इच मसल्स को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। जो स्केलेटल मसल होता है इसको हम स्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं। स्ट्राइटेड मसल क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जब इस मसल्स को मतलब हम जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये मतलब कुछ इस तरीके से स्ट्राइशन कंडीशन दिखाता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ स्ट्राइशन दिखाता है, इसलिए हम इसे स्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं स्केलेटल मसल को। ठीक है, तो इट इज़ ए स्ट्राइटेड। दूसरा जो है ये वॉलेंट्री, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम लोग हमारे कंट्रोल पे है यार, एस्केलेटल में अटैच है हमारे कंट्रोल में। मैं ब्रेन को बोला हाथ उठा रहा है, मैं ब्रेन को बोला हाथ नमा रहा है, तो हमारे कंट्रोल में है। जो मोमेंट हमारे ब्रेन के कंट्रोल पे होता है हम उसे एस्केलेटल मसल वॉलेंट्री कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, ये अनब्रांच होता है। ठीक है, ये ब्रांच होता नहीं है, इस तरीके से अनब्रांच मतलब इस तरीके से रहता है। ठीक है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन शो करता है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए। जैसे एक ही सेल दो तीन न्यूक्लियस कंटेन कर सकता है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड उसे कहते हैं। डेट इज ये सिंसिटियम कंडीशन शो करता है। नेक्स्ट आते हैं हम विसरल मसल पे। ठीक है, विसरल मसल को भी हम स्मूथ मसल कहते हैं, इसे स्ट्राइटेड कहते हैं क्योंकि अंडर माइक्रोस्कोप ये स्ट्राइशन दिखाता है। विसरल को स्मूथ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अंडर माइक्रोस्कोप वो कोई स्ट्राइशन नहीं दिखाता। ठीक है, डेट इज नॉन स्ट्राइटेड, इट इज़ नॉन स्ट्राइटेड, इट इज़ इनवॉलेंट्री। अब विसरल मसल कहाँ प्रेजेंट होता है? ठीक है, विसरल ऑर्गेन क्या है? जो हम लोग का एलिमेंट्री कैनल जो है ना, उसका अंदर का जो एलिमेंट्री कैनल का जो ऑर्गेन सब है इनर में, इनर वाल ऑफ एलिमेंट्री ऑर्गेन जो है ना, हॉलो ऑर्गेन जो होता है एलिमेंट्री कैनल, हॉलो ही जो है ना, यहाँ से वॉइस ऑफ एगस, स्टमक, डुओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, उसका इनर वाल में ये मसल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इनवॉलेंट्री है। अरे यार खाना खा रहे हो तो पेट के मसल को बोलोगे क्या अभी तो कंट्रैक्ट कर, नहीं ना, वो तो ऑटोमेटिक हो रहा है। सो डेट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, दैट इज़ इनवॉलेंट्री। ये मसल जो होता है ये ब्रांच फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये अनब्रांच रहता है और ये एक मसल एक ही सेल कंटेन करता है। ठीक है, तो इट इज़ यूनिन्यूक्लिएटेड एंड अंडर माइक्रोस्कोप इट लुक्स स्मूथ, सो वी कॉल इट स्मूथ मसल। ठीक है, इसका फंक्शन देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, खाना खाते हैं तो एलिमेंट्री कैनल में मदद करता है, एंड गैमेट्स का भी मदद करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा टाइप का जो मसल है वो हो गया कार्डियक मसल। कार्डियक मसल प्रेजेंट होता है हम लोग का हार्ट में, एंड इट इज ऑल्सो इनवॉलेंट्री। यार हार्ट का मसल कंट्रोल पे है क्या? दिल जो एक दिल या दिल कंट्रोल पे नहीं है कहते हैं ना, तो दिल तो हमारा कंट्रोल पे है ही नहीं यार, वरना कंट्रोल पे होता तो आज बहुत कुछ हो जाता। चलो कोई नहीं, तो ये इनवॉलेंट्री है। ये जो होता है ये ब्रांच फॉर्म में रहता है। ठीक है, और ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गया, सिंगल न्यूक्लियस इन ए सेल, अंडर माइक्रोस्कोप स्ट्राइशन दिखाता है। और इसका एक पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसके पास इंटरकलेक्टेड डिश शो करता है। इंटरकलेक्टेड डिश मतलब क्या, कि ये एक सेल हो गया मसल सेल। ठीक है, तो इसको हम इंटरकलेक्टेड डिश कहते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस एक ही न्यूक्लियस को इंटर करेगा, इसको इंटरकलेक्टेड डिश कहा जाएगा, जो सिर्फ कार्डियक मसल में ही शो करता है। चलिए, ठीक है, इस चैप्टर में एनसीईआरटी में स्केलेटल मसल के बारे में अच्छे से डिस्कस किया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बोन है, बोन में अगर ये मसल अटैच किया गया उस अटैचमेंट को हम कहते हैं टेंडन। ठीक है, उस अटैचमेंट को हम कहते हैं टेंडन, और मसल टू मसल जो अटैचमेंट होता है उसे हम कहते हैं लिगामेंट। ठीक है, ये एक मैंने फिगर बना के रखा है मसल का, एक मसल पकड़ लीजिए, इस मसल को अगर ऐसा काट के मैं देखूँ इसके अंदर से, ऐसा क्रॉस सेक्शन में अगर देखा जाए तो हमें इस तरीके से बहुत सारा बंडल दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से बंडल दिखाई देता है, ये बंडल को हम कहते हैं फेसिकल। ठीक है, अदर फेसिकल और बंडल। ठीक है, और ये इंडिविजुअल जो मतलब फिलामेंट है उसे हम कहते हैं मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट। ठीक है, विच कंटेन मसल सेल, एंड दिस मायोफाइब्रिल्स आर कनेक्टेड बाय कोलाजिनस टिश्यू, ये टिश्यू से कनेक्टेड होकर रखा हुआ है, उसे हम कहते हैं फेशिया। ठीक है, ये बहुत सारा जो फिलामेंट है वो कनेक्टेड है उसे कहते हैं फेशिया। जिस तरीके से सेल का ये मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन केस ऑफ मसल हम कहेंगे सार्कोलेमा। साइटोप्लाज्म सेल का इनके सब यहाँ मसल में हम सार्कोप्लाज्म कहेंगे, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कैल्शियम को स्टोर करता है। ठीक है, और मसल सेल तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो ये रहा न्यूक्लियस। और ये जो मायोफाइब्रिल है, अब इसका हम डिटेल्स में स्ट्रक्चर देखते हैं, मसल फाइबर जो है, मसल सेल सॉरी, तो मसल सेल कंटेंट्स मायोफाइब्रिल, रहा मसल सेल मायोफाइब्रिल कंटेंट कर रखा है, जो प्रोटीन फिलामेंट कंटेंट करते हैं दो, एक होता है थिक और एक होता है थिन, जिसके वजह से यहाँ
अल्टरनेटिवली लाइट और डार्क बैंक दिखाई देता है। देखिए ये डार्क, ये लाइट, ये डार्क, ये लाइट, ये डार्क, ये लाइट, ये डार्क लाइट, डार्क लाइट, अल्टरनेटिवली डार्क लाइट बैंड दिखाई देता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है। वो डार्क लाइट लाइट बैंड दो प्रोटीन का वैसे दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है और कौन सा प्रोटीन है हम देखते हैं। जो डार्क दिखाई देता है वो प्रोटीन वो दिखाई देता है ड्यू टू मायोसिन प्रोटीन, और मायोसिन जो है वो थिक फिलामेंट है, मोटा है, इसलिए तो डार्क दिखता है, ठीक है। मायोसिन को एनाइसोट्रोपिक भी कहा जाता है, और ए बैंड कैसे याद रखेंगे, डार्क डी ए है ना, एनाइसोट्रोपिक एंड ए बैंड, ठीक है। और जो एओरिक फिलामेंट जो है जो लाइट दिखता है, लाइट मतलब क्या, पतला, तो ये थिन फिलामेंट है, इसे हम कहते हैं एक्टिन, जो लाइट दिखता है, इसे भी एनाइसोट्रोपिक और आई बैंड कहा जाता है। कैसे याद रखेंगे, एल आई, आई से है ना, आई बैंड और एनाइसोट्रोपिक, ठीक है। तो एक यहाँ मसल फाइबर है, यहाँ दिखा रहा हूँ मायोफाइब्रिल, ये जो है ये डार्क बैंड, ये डार्क बैंड, ये लाइट बैंड। तो लाइट बैंड मतलब क्या, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट मतलब क्या, एक्टिन। ये डार्क है मतलब क्या, मायोसिन, ठीक है। अब हम यहाँ थोड़ा डायग्राम देखते हैं, ऐसी मसल कॉन्ट्रेक्शन में जो हेल्प करता है, थोड़ा देर में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये हो गया आपका, पकड़ लीजिए, ये थिन फिलामेंट हो गया आपका एक्टिन, ये थिक फिलामेंट हो गया आपका मायोसिन, ठीक है। यहाँ मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन है बुक में, इसलिए मैं दे रहा हूँ। तो ये जो थिक फिला को जो बीच में इंटरसेक्ट करेगा जो लाइन, उसे हम कहेंगे जेड लाइन। क्या लाइन, उसे हम कहेंगे जेड लाइन, ठीक है। एंड एक चीज़ देखिए, ये जो थिक फिलामेंट है ये काफ़ी मोटा है, तो इसके अंडर में जो ये एक्टिन आ जाएगा मायोसिन के अंडर में, तो ये मायोसिन लाइट नहीं दिखेगा इस एरिया में, ये रीजन में, ये रीजन भी डार्क दिखता है, ठीक है। तो यहाँ ट्रूली अगर एक्टिन का लाइन देखा जाए, आई बैंड जो होता है, आई बैंड वो होता है ये, देखिए यहाँ से कम्प्लीटली, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक आई बैंड, ठीक है, कि ओनली लाइट बैंड, क्योंकि ये इधर जो अंदर घुस गया है वो तो डार्क दिखेगा, वो डार्क दिखेगा क्योंकि मायोसिन मोटा है ज़्यादा ना, इसलिए। एंड दिस रीजन कम्प्लीटली जो मतलब आई बैंड के साथ मिक्स नहीं है, उसे हम कहेंगे डार्क बैंड, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ, उसे कहेंगे हम ए बैंड, डार्क रीजन और ए बैंड, एनाइसोट्रोपिक, ठीक है। और यहाँ तो लाइन हो गया जेड लाइन, और ये जो है दो जेड लाइन के बीच में जो रीजन होगा, उसे हम कहेंगे सार्कोमेयर। क्या कहेंगे, सार्कोमेयर। सार्कोमेयर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन, थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे किस तरीके से सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट करके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक है। और मायोसिन को जो लाइन बाइसेक करेगा, उसे हम कहेंगे एम लाइन। क्या कहेंगे, एम लाइन, ठीक है। बुक में अच्छे से दिया है, मैं कॉन्सेप्ट के लिए जस्ट बता दिया मैंने आपको। अब हम पढ़ते हैं मसल प्रोटीन के बारे में, ठीक है। दो टाइप का प्रोटीन होगा जो कॉन्ट्रेक्शन में मदद करेगा। पहला हो गया कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, जो कॉन्ट्रेक्शन में मदद करेगा। दूसरा हो गया रेगुलेटरी प्रोटीन, जो प्रोसेस को स्विच ऑन एंड ऑफ करने में मदद करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शन का प्रोसेस को स्विच ऑन एंड ऑफ करने में मदद करेगा, स्विच ऑन एंड ऑफ करने में मदद करेगा। तो चलिए, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन क्या है, दो प्रोटीन है मेनली हम पढ़े हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। एक्टिन जो है वो दो फिलामेंटस प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है, जो कि पॉलीमर है एक जी प्रोटीन का। ये जी प्रोटीन है, इसका पॉलीमर मिलके एफ एक्टिन बना है, ठीक है, दो फिलामेंट मिलके, एक हो गया और यहाँ से दो पकड़ते हैं, ठीक है। डायग्राम अच्छा नहीं है, समझने के लिए जैसे बना रहा हूँ। तो इंडिविजुअल यूनिट को हम कहेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन, और ये जब पूरा हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे एफ प्रोटीन, ठीक है, फिलामेंटस प्रोटीन। तो ये दो होता है, दो हेलिकली वाउंड होते हैं इस तरीके से। यहाँ से और एक प्रोटीन इसके इस तरीके से इसके ऊपर से जाता है, ठीक है, और एक प्रोटीन जिसे हम कहेंगे ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ये ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ और एक प्रोटीन होता है जो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर अलग अलग इंटरवल डिस्टेंस में रहता है, ठीक है, इस तरीके से ट्रोपोमायोसिन, और अलग प्रोटीन, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रहता है, इस प्रोटीन को कहते हैं हम ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, ठीक है। ये प्रोटीन क्या करता है, इसका एक्टिव साइट को मायोसिन आके बाइंड करेगा, बल्कि इसका एक्टिव साइट को कवर करके रखता है, ठीक है, और जब बाइंडिंग होगा तो वो हट जाता है मसल कॉन्ट्रेक्शन में, हम देखेंगे थोड़ी देर में। अब आते हैं नेक्स्ट मायोसिन। मायोसिन का स्ट्रक्चर कैसा है, कि ये भी एक पॉलीमर है, इंडिविजुअल यूनिट से बना है, मोनोमर से, जिसको हम कहते हैं मेरोमायसिन, जो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है, दो हेड कंसिस्ट करता है वो, इस तरीके से दो हेड और ये उसका टेल होता है, ठीक है, दो हेड और ये उसका टेल होता है इस तरीके से, ठीक है। और इस हेड रीजन में उसका एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है,
एटीपी बाइंडिंग साइट, ताकि एटीपी को बाइंड करे और यहाँ जाके मतलब ये एटीपी बाइंडिंग साइट है ताकि ये मायोसिन एक्टिन पे जाकर बाइंड करके उसको टान सके मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हेड, ये जाके बाइंड करेगा वहाँ, तो इसको हम क्रॉस आर्म कहते हैं। कहाँ बाइंड करेगा? एक्टिन के साथ। और ये हो गया टेल। ठीक है, तो ये हेड रीजन हैवी होता है, तो इस रीजन को कहा गया हैवी मेरोमायोसिन, और ये लाइट रीजन को क्या गया है? लाइट मेरोमायोसिन। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब रेगुलेटरी प्रोटीन आते हैं जो स्विच ऑन ऑफ करने में मदद करता है, ट्रोपोमायोसिन जो एक्टिन के साथ ही हेलिकली वाउंड होता है, और दूसरा हो गया ट्रोपोनिन जो क्या करता है, मायोसिन जो बाइंड करेगा उस एक्टिव साइट को कवर करके रखता है ताकि मायोसिन आके बाइंड ना कर पाए। और मायोसिन कब बाइंड करेगा? जब कैल्शियम रिलीज होगा हम लोग का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो कैल्शियम जाके ये ट्रोपोनिन को बोलेगा कि अबे भाई हट, अभी मायोसिन आने वाला है, तो अब मायोसिन जाके इस पर बाइंड करेगा। मसल कॉन्ट्रेक्शन हम थोड़ी देर में भी देखेंगे। तो आइए अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल के बारे में। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ मसल के बारे में आइए हम पढ़ेंगे। पहले यार कंसेप्ट एक बार ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बात चलते हैं, बात कुछ भी मूवमेंट करते हैं, यार मूवमेंट इतना फास्ट है, न्यूरल मूवमेंट अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, मैं जो न्यूरल सिस्टम होगा उसमें पढ़ाऊंगा कैसे कितना स्पीड है, कैसे मैकेनिज्म है न्यूरल सिस्टम का, नर्व ट्रांसमिशन का। यार इतना फास्ट है मूवमेंट मसल कॉन्ट्रेक्शन का, देखो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, रिलैक्सेशन हो रहा है ना, इतना फास्ट है इसका सिग्नल कि सबसे पहले सीने से सिग्नल मिलता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, उसके बाद नर्व के थ्रू से उसके एक्सॉन के थ्रू से उसका टर्मिनल में आता है। ठीक है, सेंट्रल नर्व से सिग्नल मिलता है, मोटर न्यूरॉन से टर्मिनल में आता है। ठीक है, टर्मिनल में आने के बाद ये हो गया आपका मसल। ठीक है, और इसका बीच का जो स्पेस रहता है उसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेन इसको। ठीक है, तो सिग्नल लेकर आया यहाँ से, ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेगा जो एसिटाइल कोलिन होता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन आके यहाँ मसल का रिसेप्टर में बाइंड करेगा, रिसेप्टर में बाइंड करते ही सार्कोलेमा में जो ये मसल का है वहाँ एक्सेल पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ये एक्सेल पोटेंशियल जैसे ही जनरेट हुआ तो मसल का जो सार्कोप्लास्मिक रेटिकुलम होता है विच इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, वहाँ से कैल्शियम रिलीज हो जाता है। कैल्शियम क्यों रिलीज होता है? ताकि वो जाके एक्टिन का जो ट्रोपोनिन है उसको हटा पाए। एक्टिन का ट्रोपोनिन क्यों हटाना है? क्योंकि उसने मायोसिन का हेड का कवर को ढक के रखा है ताकि वो बाइंड ना करे। ठीक है, तो वो जाके एक ट्रोपोनिन को हटा देता है, जिसके वजह से मायोसिन का हेड, ये मायोसिन का हेड ऐसा रहता है आके यहाँ बाइंड करेगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्म करेगा और इसको ऐसा पुल करेगा। ठीक है, स्लाइड करेगा एक के ऊपर एक, तो इसलिए इसे हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, तो सिंपल एसिटाइल कोलिन आया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम बाइंड विथ ट्रोपोनिन एंड अंडरगो कॉन्फॉर्मेशन चेंज जिसकी वजह से हटेगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिन फिलामेंट में एक्सपोज हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, मायोसिन हेड बाइंड करता है और क्रॉस ब्रिज फॉर्म करता है, देखेंगे हम, फिर क्रॉस ब्रिज मूव करता है पावर स्ट्रोक के बाद, जिसके वजह से थिन फिलामेंट जो एक्टिन होता है वो सेंटर के टुवर्ड्स में पुल होता है, जिसके वजह से आई और जेड जो लाइन होता है वो पुल होते हैं, डेट इज सार्कोमेयर छोटा होता है, छोटा हुआ मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन। ये एक ओवरव्यू है, अब हम मैकेनिज्म को थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया मायोसिन और ये हम लोग का गया एक्टिन। डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, एनसीईआरटी में फिगर है, आप देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा, मैं जस्ट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ये हो गया मायोसिन, ये हो गया एक्टिन। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले क्या होता है कि पहले तो ये कैल्शियम आके ट्रोपोनिन को हटा देगा, तो ऐसा करके तीन कॉम्प्लेक्स यहाँ बाइंड होता है ना, उस ट्रोपोनिन को कैल्शियम बाइंड करके हटा देगा, फिर जो मायोसिन का बाइंडिंग साइट यहाँ जब एक्सपोज हो जाता है तो यहाँ क्या होता है, जो एटीपीएस एक्टिविटी होता है मायोसिन का हेड में, मैंने बोला था पहले, तो ये इसका हेड जो होता है यहाँ वो एटीपी ब्रेकडाउन हो जाता है। एटीपी ब्रेकडाउन हुआ मतलब क्या है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ब्रेकडाउन हुआ मतलब क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, एनर्जी जो रिलीज हुआ उसके वजह से ये मायोसिन हेड ऐसा पड़ा रहता है, मतलब ऐसा रहता है, इधर आके बाइंड कर देता है। ठीक है, क्रॉस ब्रिज फॉर्म करेगा, ये एक्टिन ही है, बनाया नहीं मैंने, सिंपल से बनाया है, ग्लोबुलर प्रोटीन से बन के दो फिलामेंटस फिलामेंट है, ट्रोपोमायोसिन भी रहता है। ठीक है, तो ये क्रॉस ब्रिज फॉर्म किया, क्रॉस ब्रिज फॉर्म किया, उसके बाद क्या होता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्म कब करिए, इसको एटीपी का जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ पावर स्ट्रोक जो होता है उस एनर्जी को यूटिलाइज करके इसको मूव करता है टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, एक्टिन को मूव करता है, मूव जैसे ही किया उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या होता है कि एटीपी दोबारा से मतलब
जो टूटा हुआ था वो दोबारा से नया एटीपी आके जुड़ जाता है। जैसे ही एटीपी आया ये क्रॉसब्रिज दिखे, क्रॉसब्रिज मतलब जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ टूट गया, ये फिर से रिलैक्स स्टेट में आ गया, कॉन्ट्रेक्शन हुआ था, अब रिलैक्सेशन हो गया, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉसब्रिज क्योंकि एटीपी आ गया, एंड द साइकिल कंटिन्यूस। फिर से ये एटीपी टूटेगा, टूटेगा तो फिर एनर्जी प्रोड्यूस होगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर से क्रॉसब्रिज फॉर्म होगा, फिर से रिलीज होगा। ठीक है, तो ये सिंपल साइक मतलब मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रेक्शन का। और जैसे ये क्रॉसब्रिज टूटता है क्या करता है, ट्रोपोनिन कैल्शियम फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा और ट्रोपोनिन आके यहाँ फिर से इसका ये एक्टिव साइड आके बाइंड करेगा, मायोसिन का हेड का जो एक्टिव साइड है यहाँ वो उसको आके बाइंड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट, बुक में है, सिंपल से मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया समझ में आने का। अब क्या होता है जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग मतलब बहुत मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है कि नहीं, हम लोग का थक जाते हैं, मतलब इसका मतलब कि ऑक्सीजन हमें बहुत चाहिए होता है। ठीक है, तो इन डेट केस क्या होता है कि इन डेट केस लेट मी चेक इट वंस, ओके सॉरी माइक चेक कर रहा था, उसमें क्या होता है कि हम लोग का ऑक्सीजन का मात्रा हम लोग का शरीर में बढ़ जाता है, हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, एक्सेसिव एक्सरसाइज का केस में तो उसमें हम लोग का ग्लाइकोजन होता है शरीर में वो एनएरोबिक प्रोसेस ले लेता है क्योंकि उतना ऑक्सीजन हो नहीं पाता है, तो टू पैरोबिक में ब्रेक होगा ग्लूकोज, फिर से वो लैक्टेट में प्रोड्यूस हो जाता है। तो रियल लैक्टिक एसिड जब हम लोग का एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की वजह से प्रोड्यूस होता है तो हम लोग का बॉडी थोड़ा डाल हो जाता है, फैटिक वीकनेस मतलब थोड़ा आलस लगने लगता है। ठीक है, और बाद में फिर ये अपने साइकिल से फिर से रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें थकान महसूस होती है एक्सरसाइज के बाद थोड़ा। अब बात करते हैं थोड़ा मसल्स के बारे में और एक कंडीशन और एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कि हम लोग का मसल जो है कोई कोई मसल रेड दिखता है। रेड क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ मायोग्लोबिन ज़्यादा होते हैं, मायो से पता चलता है मसल। ठीक है, मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को स्टोर करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हेमोग्लोबिन, और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है। ठीक है, तो कोई कोई मसल रेड दिखता है, रेड मसल फाइबर हम उसे कहते हैं, क्योंकि वहाँ मायोग्लोबिन ज़्यादा रहता है, ऑक्सीजन स्टोर करता है, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ऑब्वियसली रेड मसल में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑक्सीजन जा है इसका मतलब क्या, ये एरोबिक प्रोसेस ही लेगा। कोई कोई मसल हम लोग का वाइट बा पेल पेलिस वाइटिस बा पेल कलर मस पेल कलर की तरह दिखता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं वाइट मसल फाइबर, वहाँ मायोग्लोबिन कम रहता है, मायोग्लोबिन कम रहा तो ऑक्सीजन ही कम स्टोर होगा, ऑक्सीजन भी कम है तो जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया भी कमती ही होगा। ठीक है, पर यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा क्योंकि मसल कॉन्ट्रेक्शन तो यहाँ भी होगा ना, तभी तो कैल्शियम रिलीज होगा। ठीक है, और ये सिंस ऑक्सीजन कम होता है तो ये एनएरोबिक पाथवे भी ले लेता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका ओवरव्यू। इसके बाद हम स्केलेटल मसल अच्छे से पढ़ेंगे, सारे शॉर्टकट ट्रिक्स जो आप एक बार पढ़ ले तो और कभी पढ़ने की कोई भी बुक्स की भी जरूरत नहीं होगी।